بسم الله الرحمن الرحيم हेलो अस्सलाम वालेकुम, मैं जीशान मर्चेंट एंड आई एम आयशा ताजवाय जी, एक नए एपिसोड के साथ। आज का फूड फॉर थॉट या आज का थॉट जो है, जो मेरे जहन में गाड़ी चलाते हुए आ रहा था, जो मैं सोच रहा था, जो मैंने इनसे कहा कि मैं बोलूँगा कि टू बी और नॉट टू बी, टू डू और नॉट टू डू, टू से और नॉट टू से, हैप्पी वैलेंटाइंस डे। ये सवाल है मेरा सवाल। तौबा, 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 नहीं, मुझे ये बताया इसमें तौबा करने की क्या बात है? इस्लाम के खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। इस्लाम के खिलाफ क्या क्या प्यार करना इस्लाम में मना है? भाई जिस वजह से आज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट किया, प्यार करना इस्लाम में मना है? जिस वजह से वैलेंटाइन डे कहा जाता है, उसके पीछे जो भी रीजनिंग है वो इस्लाम के खिलाफ है। क्या मना है मुझे बताइए तो सही, इस्लाम में काम मना है कि प्यार करने वाले जो अगर किसी से प्यार करता है उसको इजहार करने से मना है? नहीं, मैं तो हर रोज वैलेंटाइन डे मनाता हूँ। बिल्कुल, मैं हर रोज अपनी अम्मी को आई लव यू कहता हूँ, मैं हर रोज अपनी बेगम को आई लव यू कहता हूँ, मैं हर रोज अपने बच्चों से आई लव यू कहता हूँ, तो मेरे लिए तो हर रोज वैलेंटाइन डे। अब यार ये पता है ऐसे ही है नासिर, मैं ही हूँ आप जैसे ही लोग हैं जो देखे, मैं कम अज कम जो दिल में है वो जबान पे है जी, मेरे दिल में जो है वही जबान पे रहता है। जरा होल्ड रखें इस पे, रहमान वाले लगता है दिल और जुबान पे भी बैन ना लगा दे। नहीं लेकिन आज उन्होंने रेड कलर पहनने पे क्यों बैन नहीं किया? वो बलून जो हार्ट शेप के नजर आ रहे हैं पूरे एक हफ्ते से, मुझे वो क्यों नहीं बैन किया? मोबाइल क्यों खोले? अस्तग़फ़िरुल्लाह, मौशे में कितनी बेहयाई फैलेगी। अगर वो फोन बंद करते तो ना डेटे होती, ना लोग एक दूसरे से फोन कर सकते, ना वो मिलने की जगह डिसाइड कर सकते, ना मौशे में ऐसी बदतमीजी होती। पीटीसीएल में मुश्किल होता ना, अम्मी अबू होते हैं घर पे तो क्या हुआ, कोड वर्ड में बात, डेंजरस होता है। नहीं आप मुझे बताए कि आज आप इतने लाल लाल कलर में क्यों आए? सुबह सुबह मेरी अम्मा ने मुझे टोक दिया। नहीं, अम्मी इनका कसूर है। ओह नहीं, मैंने कहा था जी, आज हमने कहा था कि आज सुबह सुबह मैं निकली, मैंने रेड लाल जोड़ा, वो पता नहीं, नॉर्मली यू वेयर रेड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, बट 14 फरवरी को मुझे खुद भी अजीब लग रहा था रेड पहना। मेरी अम्मा ने कहा बेटा कहाँ जा रही हो? देखिए मैं तो आज पर्पसफुली रेड पहन के आया हूँ, और मैं ये लाइवली कलर्स है और लाइवली कलर्स पहनने चाहिए। और आज का दिन कोई ऐसा कोई खास दिन नहीं है कि आप कहेंगे यार मैं कोई आज ही सिर्फ मोहब्बत करूंगा, सारी मोहब्बत आज ही करूंगा, ये कोई कौन सी बात? आज हया डे, आप वो ऑब्जर्व करें, ओके? यानी पूरे साल में एक दिन हया डे करेंगे हम, बाकी बेहया। व्यूअर्स, ये मुझे आज वैसे आई एम सॉरी टू से दिस, आई डोंट गेट दिस कॉन्सेप्ट कि एक दिन को आपने आज कह दिया कि ये हया डे मनाया जाए। यानी हया दिन और मोहब्बत करने का दिन आप अगर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं तो आई एम सॉरी, क्या बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं? आई एम सॉरी जो हम हैं, आई एम सॉरी, मैं भी एग्री करती हूं आपसे बिल्कुल, जो हम हैं। यानी आपके कॉल और फेल में अगर तजाद है तो फिर तो मतलब मैं भी आपको फेसबुक का भी बता रही थी कि कल से मैं देख रही हूँ, बल्कि नॉट इवन कल से, एक हफ्ते से मैं देख रही हूँ कि से नो टू वैलेंटाइंस डे, नो टू वैलेंटाइंस, से नो टू वैलेंटाइंस, हमारे माशरे में, हमारे रिलीजन में अलाउड नहीं है ये कॉन्सेप्ट। बिफोर मैरिज जो रिलेशनशिप्स हैं उसको भी आप डिस्करेज करें, लेकिन जो लोग वो पोस्ट कर रहे हैं ना, मुझे ये बताइए एक मिनट, आई एम सॉरी, ये आपने जो बात लास्ट की, आई मेरे सर में उसमें धमाके हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि इस्लाम में एक आदमी को और एक औरत को खुद शादी करने का डिसीजन है? बिल्कुल है। तो वो कैसे डिसाइड करेंगे? जब वो एक दूसरे को पसंद करेंगे। वो कैसे पसंद करेंगे? जब वो एक दूसरे से कहीं मिलेंगे, बाउंड्रीज में, बाउंड्रीज में, ठीक है। लेकिन ये तो कोई बात ही नहीं कि शादी से पहले कोई रिलेशनशिप इन द सेंस कि कोई बेहुदा चीज नहीं होनी चाहिए। देखिए बात करने से कोई किसी को मना नहीं करता, आप किसी को जब तक बात नहीं करेंगे उसकी कंपैटिबिलिटी आपको कैसे पता चलेगी? आई थिंक वी ऑल नो कि हमारी बाउंड्रीज क्या है, अगर हम उसके अंदर रहते हुए अगर कुछ कर रहे हैं तो आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू इन दैट। एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। वैलेंटाइंस डे को भी जिस तरह उन्होंने लोगों ने क्रिटिसाइज करना स्टार्ट किया, आपसे वो एक दिन को आप क्यों ऑब्जर्व कर रहे हो? हमारे तो हफ्ते में महीने के 30, 28 या 29 दिन भी यही चीजें हो रही हैं। उस वक्त किसी को ख्याल नहीं आता कि दिस इज अगेंस्ट रिलीजन। सारी हिपोक्रेसी है, उनको तकलीफ होती है।
अच्छा वही बात जो अभी हम कर रहे थे, तो फिर अगर वैलेंटाइंस डे नहीं करना चाहिए व्यूअर्स, तो फिर 31 दिसंबर की रात को जो आप लोग नाच कूद कर रहे होते हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। हवाई फायरिंग हो रही होती है, हवाई फायरिंग जो कर रहे होते हैं वो भी नहीं करनी चाहिए। वो जो बेचारे गवर्नमेंट, साल इस्लाम का नया साल तो मुहर्रम है और मुहर्रम तो हम का महीना है, तो फिर 31 दिसंबर क्यों सेलिब्रेट या 1 जनवरी क्यों सेलिब्रेट हो रही होती है? यानी हमारी ये हद है कि हम बहुत बड़े हिपोक्रेट्स हैं, और आप मुझे बहुत सीरियस टॉपिक पे ले गई हैं। नहीं, ये आज वैलेंटाइंस डे है, अपने प्यारों को जाके एक्सप्रेस करें। क्वेश्चन फिर से वही है कि टू बी और नॉट टू बी, इसकी वजह ये है कि जो आप हैं वैसे ही रहिए, किसी के कहने से चेंज ना हुई, चेंज फॉर बेटर जरूर हुई है, लेकिन फोर्सफुली मेरे ख्याल से अब जो जिसका जहन है, हाँ जो साफ को होना चाहिए, और अगर आप किसी से अच्छी एक्सप्रेस कर सकते हैं वर्ड्स, तो एक्सप्रेस कीजिए, चाहे वो आपकी माँ हो, चाहे वो आपके फादर हो, चाहे वो आपके भाई बहन हो, चाहे वो और आपने बड़े मजे से आई थिंक वैलेंटाइंस डे को ना एसोसिएट कर दिया कि वो सिर्फ हस्बैंड और वाइफ या बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड या फियांसे एक दूसरे को कर सकते हैं, इट इज फॉर एवरीवन। आई मीन मैं तो आई एम रेडी टू विश एंड आई विश एवरीवन अ वैलेंटाइंस डे। आई विश यू वैलेंटाइंस डे राजू भाई, आई विश यू वैलेंटाइंस डे 24/7 की पूरी टीम को मेरी तरफ से वैलेंटाइंस डे, क्योंकि ये मोहब्बत, देखिए आप मोहब्बत फैलाइए, जिस माशरे में या जिस दौर से इस वक्त हम गुजर रहे हैं वहाँ मोहब्बतों की बहुत ज़रूरत है, वहाँ केयरिंग की बहुत ज़रूरत है। अगर हम एक छोटे से स्टेप से केयरिंग शुरू कर सकते हैं तो ये हमारा फर्ज बनता है। क्या आप अपने नेबर को पूछते हैं आज के दौर में? नहीं, वही मैं बात गई थी, जैसे हम कह रहे थे ना कि लोग जो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये एक दिन थोड़ी होता है सिर्फ एक्सप्रेस करने का, शायद हम रोजमर्रा जिंदगी में इतना एक्सप्रेस नहीं करते, जरूरत है। मैं वही कह रही हूँ कि हम शायद रोजमर्रा जिंदगी में इतने बिजी हैं, और हम कुछ लोग होते हैं जो एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं। सो आई गेस दिस इज वन डे इज अ रिमाइंडर कि मे बी यू नो टेक दिस डे, कि अगर आप रोज नहीं कर सकते तो चलो एक आज के दिन कर दो। आई कुडंट एग्री मोर विद यू आयशा, डिस्पाइट ऑल माय डिसएग्रीमेंट्स एंड आर्गुमेंट्स। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा है और ये उनसे वायदा कर लिया है कि वो उनको टैक्स का डेटा और लोन का डेटा उन लोगों का देंगे कि जो हमारे आने वाले इलेक्शंस में लोग हिस्सा लेंगे। वो तो कोई टैक्स भरता ही नहीं, किसका डेटा देंगे? लोन्स तो उनके नाम पे होती नहीं, किसका डेटा देंगे? इलेक्शन कमीशन को, एफबीआर को चाहिए या स्टेट बैंक को चाहिए कि सिर्फ उनका डेटा ना दें, उनके अतराफ में जितने लोग हैं, उनके ख़ानदान में जितने लोग हैं, उन सब का भी डेटा दे, तो वहाँ से कुछ ना कुछ शायद मिल जाए, अदरवाइज तो। अच्छा वैसे जस्ट फॉर माय ओन नॉलेज, पाकिस्तान में टोटल पॉपुलेशन में से टैक्स पेस का परसेंटेज कितनी है? 2% 3% पाकिस्तान की आबादी 18 करोड़ प्लस, टैक्स पेयर्स जो बहुत, अगर मैं शाह उससे बताऊँ आपको शाह अंदाजे से, तो 18 लाख है। कितने? 18 लाख। कितने बने? कुछ बने ही नहीं, मेरा ख्याल से 0.1% बन जाएंगे, लेकिन अफसोस ये कि उससे से भी लोग रिटर्न फाइल नहीं करते, और हमारे ये पॉलिटिशियन कहते हैं वह हमारा टैक्स तो कट गया था, फाइल नहीं किया तो क्या हुआ? तो जनाब मसला ये है कि जो टैक्स पेयर जैसे मैं या आयशा है, हमारा भी टैक्स कट जाता है, लेकिन अगर हम रिटर्न फाइल नहीं करते ना, तो वो हम पे टैक्स लगाने की कि 25% ऑफ टैक्स तक आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, तो वाई आर यू एनी डिफरेंट फ्रॉम देम? और आप शोर मचाते हैं कि हम टैक्स दे रहे हैं। जी नहीं, आप टैक्स नहीं देते, आई एम सॉरी, टैक्स देना नहीं, आप अपनी जेब से नहीं देते, आपको कट के मिल जाता है, क्योंकि उस तनख्वाह को तो आप ऐसे भी इस्तेमाल नहीं करते, वो तो आपके नौकर या आपके नौकरों के खाने पे भी इस्तेमाल नहीं होती। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज़ अ फैक्ट। तो आप टैक्स नहीं देते, आपकी तनख्वाह से कट के आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है, अगर आपको खुद देना पड़े तो आप कभी भी नहीं देंगे। True. रिपोर्ट्स हमने सुनी थी, अखबारों में भी पढ़ी थी और टीवी पे भी देखा था कि 70% पॉलिटिशियंस टैक्स नहीं देते। लेट्स होप दिस चेंजेस दिस टाइम, बिकॉज़ वी आर डेस्परेट नेशन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। हमारे रेवेन्यूज हंसाने की बातें ना करें, चलें आगे।
यार मैं ये कोई बहुत पसंदीदा, हाँ वो जो आपने एंड में स्टेटमेंट बोला है वो जरा हंसने वाली बात थी, आगे चलते हैं। वो हिपोक्रेसी थी क्या? नहीं नहीं, वो तो मेरी दुआ थी यार। एनीवेज, ही हैड अ ड्रीम, ही हैड अ ड्रीम, आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। या डॉक्टर अल्लामा ताहिरुल कादरी साहब, कल बेचारे के साथ हैंड हो गया। अगर मैं अपनी लैंग्वेज बोल रही थी ना, जरा वो कैजुअल लैंग्वेज, हैंड हो गया बेचारे के साथ। कितने वो जज्बे से गए थे वो सुप्रीम कोर्ट, छेड़ते हो वही, वो जज्बे से गए थे वो दो दिन जो सुप्रीम कोर्ट में थी उनकी, ऐसे हाथ हिला के विक्ट्री यूनियन करके गए थे। दावी उनके इन योर फेस रब कर रही हैं आप? नहीं यार, व्हाट आई एम जस्ट बिकॉज़ आई वाज जस्ट कॉन्फिडेंस से वो जा रहे थे, जस्ट कॉन्फिडेंस। उन्होंने लॉन्ग मार्च किया था, इट बिकेम सक्सेसफुल अकॉर्डिंग टू हिम एंड हिज फॉलोअर्स। और बात ये है कि वो एक चीज के लिए गए थे, कॉज के लिए जा रहे थे, गालिबन अप्रोच डिफरेंट थी, अप्रोच शायद ठीक नहीं थी, या फॉर दैट मैटर अगर ठीक भी थी तो हु वी आर टू जज, बट कम से कम उन्होंने एक इशू तो रेस किया, जो भी है एक इशू तो रेस किया। सही बात तो की है, हम आपको शायद रेस करना चाहिए था, लेकिन वो चूंकि उन्होंने बाहर से वो जैसे भी थे, वो कहां कहीं से भी आए, लेकिन वो जो उन्होंने पॉइंट्स रखे थे आवाम के सामने, वो मेकिंग वेरी लॉट ऑफ सेंस। आप मुझे ये बताइए कि क्या वो गलत कह रहे हैं? नहीं, तो बात ये है कि अगर वो नहीं कह रहे तो उन बाकी लोगों को कहना चाहिए हमारे। और कल मैं एक वो गलती से, वो एक टीवी पे, मेरी आदत तो नहीं है, लेकिन मैं कल वो ट्यून हो गया किसी चैनल पे, न्यूज़ चैनल पे, वो कह रहे हैं कि इसके ऊपर तो शो होना ही नहीं चाहिए, ये तो कोई पिटिशन बनती ही नहीं थी, ये तो आई मीन इट्स ऑल आई डोंट नो, आई एम सॉरी टू से कि दिस इज़ नॉट डन। अगर कोई चीज़ पाकिस्तान के हक में बेहतर है तो उसे होनी चाहिए रिगार्डलेस ऑफ व्हाटएवर हैपेंस। बिल्कुल। अच्छा खैर, ही हैड अ ड्रीम जो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हुआ, क्या आप वो भी एक्सप्लेन? हुआ क्या है वो, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी, व्हिच वाज पिटीशन फाइल की थी, वो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करना चाहते थे, और वो ये चाहते थे कि उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर आई गेस कोई ऑब्जेक्शन नहीं था, लेकिन उनको वो कॉन्स्टिट्यूट करना चाहते थे कि उसको प्रॉपरली हो, ताकि इलेक्शन जो होने वाले वो एक फेयर और ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, क्योंकि उनके एप्रीहेंशन हैं कि शायद वो फेयर और ट्रांसपेरेंट नहीं होते। व्हिच आई एग्री विद। लेकिन यार मिलिट्री के साथ अभी हो रहा है, यार मिलिट्री के साथ अभी जाके वो डोर टू डोर चेक कर रहे हैं। आपने मुझे बताया था, आपके घर पे भी आए थे मिलिट्री वाले, आए थे ना, नहीं सॉरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले आए थे। कौन मिलिट्री वाले तो नजर नहीं आए मुझे, हमारा इलाका सेफ है जी। कहाँ रहती है? नहीं बताइएगा, नॉट ऑन द वेब। एनीवेज, आई होप कि चीज़ें सही हों। एक और अच्छी खबर कह लें या बुरी खबर कह लें कि वो इंडिया से आए थे गुलजार साहब, ओह दिस कराची लिटरेचर फेस्टिवल इन कराची, विशाल भारद्वाज उनकी वाइफ और कुछ लोग आए थे जो लाहौर आए थे, और उन्होंने कराची में इस लिटरेरी फेस्टिवल, सॉरी गुलजार साहब जो लाहौर गए थे वो किसी कोई गाना रिकॉर्ड कराने गए थे, एंड ही वांटेड टू विजिट हिज बर्थप्लेस, द प्लेस वेयर ही वेंट टू स्कूल, ही विजिटेड दैट प्लेस एंड ही बिकेम वेरी इमोशनल ओवर देयर, ही केम बैक अर्ली, then he visited the recording of the qawwali which is going to be played in his one of his movies and he was supposed to come to Karachi, but strangely and incidentally he went back yesterday evening via Wagha border. Unko mohabbat se, yani jo akhbar mein likha hai ki mohabbat se indian high commission se log aaye, aur unhone kaha ki cut lo, bahut ho gaya, sorry cut lo, to wo चले गए। अब ये अखबार में लिखा है क्यों चले गए, बट कराची में मैंने देखा था कि कराची फेस्टिवल जब स्टार्ट हुआ, जब वहाँ पे ये बताया गया कि गुलजार साहब इज गोइंग टू बी देयर, तो आई न्यू अ लॉट ऑफ पीपल हु वर लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग हिम देयर। ही इज इंडीड अ ग्रेट मैन एंड इट्स ऑलवेज गुड टू हैव, आई डोंट नो अबाउट पॉलिटिक्स पॉलिटिकल रीजन जो है, बट इट्स ऑलवेज गुड टू हैव समवन फ्रॉम इंडिया बिकॉज यू कैन रिलेट टू देम। इज लिट जो हम करते हैं आर्ट या जो भी, इसकी कोई बाउंड्रीज नहीं है, देयर आर नो बाउंड्रीज फॉर इट, but india pakistan do have boundaries, no those are political reasons, that's what I'm trying to say। agar aap aake regular logon se milenge, agar aap aake if you meet any people from the film industry, to unke dil mein aisi koi baat nahi hogi regarding, in fact agar aap unko karachi ya pakistan ke bare mein kuch batayenge, they will be like really, oh we really want to come and visit that place। I mean jitne bhi main jitne indian se mili hu, they always want to, you know, they want to come to karachi and lahore and islamabad and visit these places। स्पोर्ट्स के बारे में भी बात करूँ तो इस्लाम इसैब गेम्स हुए तो जो इंडियन कंटिजेंट आया था, दे लव्ड पाकिस्तान बिकॉज
हम लोग का जो बेस्ट रीजन है वी कैन रिलेट विद ईच अदर. हमारा एनवायरनमेंट, हमारी सोसाइटी, हमारा कल्चर, हमारा फूड, यू नो इट्स वेरी सिमिलर. हमारे साथ हो गए झगड़े, हमारे बाकी सारी चीजें सब एक ही जैसे हैं. इट्स लाइक होम फॉर देम एंड इट्स लाइक होम फॉर अस. देयर इज जस्ट अ लाइन व्हिच इज बीइंग ड्रॉन बाय ऑल द पॉलिटिकल रीजंस. या दैट्स करेक्ट, बट वी विश्ड के वो यहां होते. We could have listened to. It would have been a fantastic session. If he was there, I would have gone at least. I don't know about others. I hope you would have taken me as well. Yes, yes, I would. 24/7. Anywhere I go, Zishan, I'll inform you. We're going to take a short break on this note. Please do. We'll be right back. Right, welcome back after the break. आपके रट्टा मार रहे थे क्या न्यूज़ करनी है? याद करता ना, by heart याद करता हूँ कि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. खैर, फिर वो मुझे गाना याद आया, भूल ना जाना फिर पापा नॉरिस लेके गाना. कितनी पुरानी एड्स की, अच्छी मासूम एड्स थी. और आज की एड्स में क्या होता है, एक खूबसूरत सी लड़की जिसकी कोई कमर ही नहीं होती वो दिखा देते, चाहे कोई भी एड. अब आपने वो खूबसूरत लड़की नोट कर ली ना, तो दे मेड द पॉइंट. नहीं, बट द पॉइंट इज कि हम क्या प्रमोट कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू टेक दैट इन अनदर शो. प्लीज डू. जी, कल फैज अहमद फैज साहब की 102nd बर्थडे सेलिब्रेट की गई. ग्रेट पोएट, बहुत अच्छी इंसान और ट्रूली पाकिस्तान में पाकिस्तान के साथ साथ. और आई वुड कॉल हिम अ कोहिनूर. देखिए ये वर्ड्स में मुझसे जीत जाती है, बस यहीं पे मसला है, बाकी कोई और मसला नहीं. He is really. Absolutely. नहीं, मैं आपकी तारीफ कर रहा था यहाँ पर. और शुक्र है कि अभी तक उनको वो इम्पोर्टेंस और वो वैल्यू दी जा रही है. ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे यहाँ वैसे वी लूज इट. हम उनकी जो लोग जिनकी डेथ हो जाती है ना, अब उनके बाद उनका उनका जो आर्ट. बिल्कुल, हम जिंदाओं को मरने पर छोड़ देते हैं. खैर, कल इनके बारे में बात करें तो काफ़ी मैंने देखा था टीवी पे भी इनकी शेर व शायरी और उसके ऊपर काफ़ी पैकेजेस बने थे, काफ़ी प्रोग्राम किए गए जहाँ पे उनकी काम को अप्रिशिएट किया गया. पर आई थिंक टीना सानी ने भी कोई एक प्रोग्राम किया था जिसमें शी वाज शी सैंग ऑल हिज शेर व शायरी, जो भी गज़लें लिखी थी उन्होंने. कल ट्विटर पर मुझे लगता है कि पूरा एक क्या कहते हैं वो शेर व शायरी का जो प्रोग्राम होता है, मुशायरा चल रहा था. अगर मैं मेंशन को फैजान लगाई तो मुझे लगता है उन्होंने रट्टे मारे हैं ना, रट्टे मारे हैं उन्होंने फेमस पे. लेकिन उनकी शायरी में वाकई में एक मैं कहूँगी मतलब एनी वन कैन रिलेट टू दैट. मैं भी एक शेर सुनाऊंगा. मैं वो तीन शेर, वो तो तीन है, वो तीन शेर हैं, वो मैं पढ़ूंगा जरूर, वो शो के आखिर में पढ़ूंगा. बड़े इंटरेस्टिंग है, मैंने कल पढ़े, पहले भी पढ़ चुका था लेकिन कल पढ़े तो मुझे बहुत ही मजा आया, तो मैंने अपने उसको फेसबुक पे भी शेयर कर दिया. और हाँ, वो मैं पैमरा वाला एक लेटर टैग किया था आपको, उसका नहीं बताया आपने. हाँ, हमारा प्रोग्राम बंद हो जाएगा. नहीं, हमने उस पर तो कोई बात ही नहीं की. क्यों नहीं बात की? आपने ओपनिंग उसी पे ओपनिंग वैलेंटाइन की दे दिया और फिर अब आपको पैमरा का नोटिस याद आ रहा है. मैंने सवाल किया. अच्छा है, वो पैमरा का नोटिस ये है, अगर आप तस्वीर देखेंगे इस वक्त स्क्रीन पे, लेकिन मुझे लगता है कि दिस इज अ मेड अप नोटिस. आई डोंट नो इफ इट इज अ मेड अप नोट, दैट प्रेमश प्रेमश बिकॉज़ सुबह मॉर्निंग शो पे वैलेंटाइन शो का बहुत वैलेंटाइन पे शो आ रहा था. नहीं नहीं, तो हम नहीं, कल की तारीख का इशू हुआ है तो वो बड़ा मुश्किल है ना. नहीं तो वो तो अभी आज सुबह ऑन एयर लाइव जा रहा था. आई मीन दे कुड हैव कैंसल्ड इट अगर पैमरा ने इतना सीरियस कोई स्टेप लिया होता. पोप बेनेडिक्ट 16 रैटजिंगर इनका नाम था मेरे ख्याल से, है उन्होंने जी रिजाइन कर दिया. बिल्कुल, ये सरप्राइज था सारी कम्युनिटी को, कैथोलिक कम्युनिटी को. और ही इज द फर्स्ट वन टू डू इट इन अ 600 इयर्स हिस्ट्री. एंड द रीजन ही हैज गिवन हिज ओल्ड एज, ही इज 85 इयर्स ओल्ड एंड ही कुड बेयरली ऑडिबल एट द स्पीच व्हेन ही गिव एंड अनाउंस्ड हिज this resignation. However, I don't know कि ये क्यों resign किया. The reasons जो मुझे कुछ लोगों से पता चले, I don't know how far they're correct, but जो है वो सुना है वो बता देते, वो गलती है तो हमें नहीं पता. कि उनके ज़माने में 8 साल he has been a pope for 8 years.
और इन दोज 8 ईयर्स सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस इन कम्युनिटी में रिलेट हुए हैं और इन कम्युनिटी में आए हैं, सबसे ज़्यादा चाइल्ड अब्यूज के केसेस, और ये पोप कम्युनिटी में से निकले हैं. तो परहैप्स दिस मे बी वन ऑफ द रीज़न ऑफ प्रेशर ऑन हिम. But I guess, with all respect, I guess unka age factor would age count factor, the most. Yeah, we should not count that. We do we know. Okay, 85 years pe aapki kitne you know vision aur aapki audible jo hearing senses hoti hain wo kafi weak perhaps ho jati hain. I wish and I hope ki yahi reason ho. I really hope too. But we don't know about those sector or unke baare mein itna follow nahi karte ya unki community ya us era us un logon ke baare mein hum itna follow nahi karte, isliye hum isme comment nahi kar sakte. Who's the next pope? Like is going to be nominated. 28 February ko he will leave the charge, and by 23rd March or by 31st March they should have a new pope. So unhone abhi to koi naam, speculation already going on that someone from South Africa is already in the contention. Okay. And he may become a pope. However, they need around 60 votes or something like that. So European community or European or US community may veto someone else. Achha, this was also in the news. And let's see, I guess. Let's surprise. See. Let's see who. And the surprise will continue to remain till the 20. Very interesting news. जिसको आपने परसों बताया था और जिसको यार तो परसों मैंने सुना था या मुझे किसी ने बताया था या आपने बताया था, I don't know. कि वो जो मेट्रो बस जो पंजाब में आई उस पर बाद में बात करते हैं उस पर, लेकिन वो पहले प्रोजेक्ट जो है वो पाकिस्तान में सिंध में आया था, तो वो सिंध में नहीं उसको टेकअप किया गया. Really? तो जी हाँ. और जब शर्जील मेमन साहब से ये पूछा गया, आपने नहीं बताया इसका मतलब मुझे, जब शर्जील मेमन साहब से ये पूछा गया कि ये आपने सिंध में क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा कि जी हमने सिंध में इसलिए इसको नहीं किया कि हमारी प्रायोरिटी डिफरेंट थी. तो उनसे पूछा गया कि वो क्या डिफरेंट प्रायोरिटी थी, उन्होंने कहा कि जी हमने सिंध में एजुकेशन पर 5 सालों में बहुत काम किया है, जिसका सबूत है मेरे पास. जो कल एक बिल पास हुआ है. आप हंस रही? नहीं, मैं मेरे जहन में कुछ और चल रहा था कि उनका प्रायोरिटी क्या थी सिंध में. बात करेंगे जी. सिंध हैज़ बिकम द फर्स्ट प्रोविंस इन पाकिस्तान हु हैज़ पास्ड अ बिल कॉल्ड फ्री एजुकेशन बिल. हैट्स ऑफ अगर ये इन लेटर स्प्रेड में हो जाए, जिसका जिसके तहत अब ये होगा जी के तमाम गवर्नमेंट स्कूल जो हैं 5 साल से लेकर कितने साल के बच्चे, 16 ईयर्स के एज के बच्चों, व्हिच बेसिकली इज योर 9th मैट्रिक या आपका ओ लेवल या मैट्रिक एज, यानी आपको फ्री एजुकेशन मिलेगी. ये बिल पास हो गया सिंध असेंबली ने, इसे यूनानिमसली पास किया. और इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन्होंने इसमें कोटा डाल दिया प्राइवेट स्कूल में कि 10% जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होंगे उनको भी फ्री एजुकेशन प्राइवेट स्कूल्स देंगे. 10% सीट्स होंगी उनकी जो अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को ऑफर होंगी. और इस पूरे बिल को पास करने का मकसद ये है कि जो आपका एक गैप आ गया है बिटवीन द एजुकेटेड लॉट इन द रिच एंड द पुअर क्लास, वो उसको ख़त्म करें. लेकिन जो और जो आगे बात है, वही ना जाएगी. अच्छा, अब जब ये बिल पास हुआ है सिंध असेंबली में तो काफ़ी लोगों ने ये भी कहा है कि डिसीशन बहुत, मतलब बिल में जो बातें लिखी हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, उसका जो पर्पस है बहुत अच्छा है, लेकिन आई होप कि बिल क्लिंटन उसके तरह उसको एग्जीक्यूट भी अगर करें. हिपोक्रेसी वाली बात, कॉल और फेल में तजार. बिल्कुल जी, चले अल्लाह करे. और ये बिल जो है, लेकिन इसमें जो आई थिंक प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन वाले हैं, दे आर क्वाइट अंडर प्रेशर. कैसे लेंगे 10% लोग? कल उन्होंने, बल्कि इनफैक्ट मैं सोशल मीडिया पे ही देख रही थी और मेन स्ट्रीम पे भी आई थिंक ये बात आई थी कि अगर प्राइवेट स्कूल्स हैं 10% सीट्स अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को कर दी ऑफर, तो उनको काफ़ी लॉसेज होंगे. ऑब्वियसली वी नो वाई, बिकॉज द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर मेकिंग, आई मीन इवन आफ्टर रिगार्डलेस ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी दैट दे आर मेकिंग, दे स्टिल गोना गो अंडर लॉस ऑफ द ऑफर 10% सीट. दैट बीट्स मी एक्चुअली. और उन्होंने आगे बोला है कि दिस मे फोर्स देम शटिंग डाउन 10,000 स्कूल्स. यू गॉट बी किडिंग मी यार, दे विल नॉट डू इट, ट्रस्ट मी दे विल नॉट डू इट. मुझे वाकई में इनसे सवाल करना जाके कि कितना पर स्टूडेंट ये पैसा बना रहे हैं, उसके बावजूद यार ये कह रहे हैं कि दे आर गोना रन इनटू. मेरे बच्चे स्कूल जाते हैं ना, मुझे पता है कि मैं कितनी फीस दे रहा हूँ महीने की. ईशान, मैं भी आपको बता, मैं 3 साल के बच्चे जब उनका स्कूल स्टार्ट होता है, प्री स्कूल उसकी जो एडमिशन फीस, अगर आप सुन, मैं तो बेहोश हो गई थी एक दिन सुन के. शादी नहीं करना वाकई में. मैं अब तो वाकई में बहुत सोच समझ के लोगों को बच्चे पैदा करने पड़ेंगे अगर आप उनको अच्छी एजुकेशन ना लेंगे. नहीं, लेकिन वाकई में स्पीड से पाकिस्तान में बच्चे पैदा हो रहे हैं ना. ओके, आई एम टॉकिंग अबाउट
people that I know. I mean, we may be different, but जो थोड़ा सोच समझ. What do you mean? भाई मैं रेड कलर पहन के बैठी हूँ. I am different ना. Oh, I have no शर्म इन हया. हया डे, हया डे. सिर्फ एक दिन हया, बाकी सब दिन बे हया. Seriously. है education bill के बारे में बात करें तो good move. अगर ये इलेक्शन से पहले लोगों के दिलों में जगह बनाने वाला एक स्टेप है तो स्टंट है पॉलिटिकल. वेल क्यों 5 साल के बाद किया बिल? एक्सक्यूज मी, मैं अभी आपको न्यूज़ में पढ़ के बता रही थी ना जी. क्या बता रही थी मैं आपको? 10% रेट बढ़ गया एजुकेशन रेट. नहीं, लिटरेसी रेट. या हां लिटरेसी रेट. हां लिटरेसी रेट जो है वो या 10% बी और फुल स्टॉप और एस और फुल स्टॉप. अच्छा एक और न्यूज़. बोर्ड बेसिन कराची में एक बहुत फेमस खाने की जगह थी और वहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया में मैं नीचे टिकर देख रही थी कि ये तो भूल गई एमएनए को और इनकी बेटी को गन पॉइंट पे उनसे सामान मतलब उनकी चीजें लूट लिया. सामान लूटा, सामान इज्जत नहीं सामान लूटा है. जिसमें उनका फोन था, उनका उनके जेवरात थे. जेवरात पहन के निकले थे भाई? नॉर्मली एक रिंग और एक इयररिंग को भी जेवरात हो जाते हैं वो. उनके जेवर और उनके फोन और उनका पर्स उनसे छीन लिया गया. तो वो एक भाई एमएनए थी ना वो. टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन. एमएनए थी वो. टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन. Exactly my point. That's the taste of them. Sarcastically कह रहे हैं, इसको seriously ना लिया. No, but I'm sorry. जो भी हालात है तो वो इन्हीं इसी गवर्नमेंट पे रिस्पॉन्सिबिलिटी जाती है, वो किसी और पे आप और मुझ पे नहीं आती है. वैसे इनफैक्ट सॉरी आप और मुझ पे भी आती है. ये फोन वन जो होता है, ये फोन वन तो ये आपका तो होता ही नहीं, तो अमानत होती है किसी की आपके पास. मैं हमेशा से अपने दोस्तों से कहता हूँ ये जो फोन है आयशा का फोन, जो आयशा का नहीं है फोन. नहीं लेकिन मुझे ये किसी की अमानत है. जिशा ने मुझे हैरान की हुई है कि आई थिंक रोज मैं कोई 10 केसेस सुनती हूँ कि लोगों से फोन छीन लिए गए, उनके तो कभी टिकट पे नहीं आया. ये एमएनए थी तो इसलिए उनका नाम और उनकी पूरी हिस्ट्री आ गई. बस थे कर मत किया करें. नहीं थी, इट्स शी इज अ फीमेल. शी इज अ फीमेल. ओके फीमेल थी वो. फीमेल थी. फीमेल थी. ये मुझे नाम उन्होंने कोई बताया था, सम एमएनए मुनीजा था. आई डोंट, आई एम नॉट टू श्योर अबाउट द नेम, बट ये भी हुआ उससे एक दिन पहले. सलीम जावेद जो सिंगर है, उनसे मोबाइल और उनका लैपटॉप और उनका कैश छीना गया पंजाब चौरंगी. काफी खतरनाक एरिया हो गया वैसे पंजाब चौरंगी. अवॉइड दैट एरिया. अच्छा लेकिन फोन स्नैचिंग घर में रहना शुरू कर दे, घर से बाहर. यस यस प्लीज. स्ट्रीट क्राइम, फोन स्नैचिंग काफी. जो आप व्यूअर्स कहीं बाहर नहीं जाएं भाई, आयशा का कहना है घर में बैठे रहो, चुपके बैठे रहो. No, but Zeeshan, अगर honestly देखा जाए, अगर हम निकलते भी हैं रोडों पे तो we're kind of tensed. Always. Always. And मैं अपनी बात करूंगी, हालांकि मेरा ड्राइवर होता है, मैं ऑफिस से निकलती हूँ, but I'm constantly looking around. मैं आपको बताऊँ, I've read somewhere कि whenever you want to use your cell phone, use it from the left ear. अब मुझे, मैं कोशिश करता हूँ मैं लेफ्ट ईयर से सुनूँ फोन को, लेकिन मुझे डर ये लगता है कि मैं जब बैठा होता हूँ ड्राइविंग सीट पे नहीं और दूसरी सीट पे बैठा होता हूँ, तो वो लेफ्ट ईयर मेरा बिल्कुल खिड़की के पास होता है और मुझे डर लगता है कि कभी कोई हाथ डाल के निकाल लेगा. तो मैं कॉन्स्टेंट इस फियर में रहता हूँ कि ये मुझसे कोई छीन के ले जाएगा. तो क्या मैं सारा वक्त ऐसे ही रहूँ? क्या ये हमारे जो अरबाब इख्तदार में लोग हैं उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि मुझे ये कम्फर्ट जोन दें? क्या मतलब है यार? What do you mean? They've given you democracy. That's all they've given. I'm sorry. तो एक बड़ा अच्छा वो कहीं को कार्टून लगा हुआ था कल, ये पता नहीं मैंने अखबार में कल देखा या आज के डॉन में गालिबन, कि वो आर्मी लीडर के टाइम पे कैसे लोग होते हैं और डेमोक्रेसी में कैसे होते हैं. क्या फेसबुक पे मैंने कहीं देखा? तो आर्मी वो कुछ मुर्गियाँ दिखाई थी और सामने आर्मी लीडर बैठा हुआ था, तो मुर्गियाँ सारी लाइन से थी बिल्कुल ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. और डेमोक्रेसी में देखा कि चंद मुर्गियाँ और वो इधर उधर घूम फिर रही हैं. यही हालात होते हैं. चले, आई थिंक वी गोना एंड द शो नाउ. है ना यार, आपके शेर पे. नहीं नहीं, शेर भी है, उसके अलावा भी है. अच्छा एक और भी. हाँ ना, मिस्टर मलिक की खबर के बगैर आप कैसे बंद कर सकते? उन्होंने मेंशन कर तो दिया. नहीं ना, उन्होंने कहा कि डायलॉग ओनली. ओ या सॉरी, तालिबान सीज फायर. अदरवाइज वो जो कर रहे करने क्या चाहते हैं वो? सफेद जो कर रहे करने दो. सफेद झंडा ले रहा है उनके लिए. नहीं नहीं, वो ये कहते हैं
कि अदरवाइज वो जो कर रहे हैं कर रहे हैं, इसका मतलब मैंने तो ये निकाला कि सीज फायर होगी तो बात करेंगे। अच्छा भाई, सीज फायर व्हाट डज मीन, कि वो जो टेररिज्म और ये जो बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं और क्रैकर अटैक्स हो रहे हैं तो वो रोक दें। आपने परसों धमाका सुना था कि वो जो कयूमा, मैंने नहीं सुना था यार। हम अपने, मैं फेज 5 में हूँ और फेज 6 में मेरा दोस्त रहता है और एक फेज 4 में दोस्त रहता है, हम सब ने वो धमाका सुना। इतना सिवियर उसकी आवाज़ थी और मैं तो 2 मिनट के लिए हुआ कि क्या हो गया, बाद में पता चला कि तखरीब कारी हो रही है और उसका भी तालिबान ने क्लेम किया गलबन के उन्होंने किया है। कभी तो नाजमाबाद में क्रैकर जो फेंका था यार, हर रोज हो रहा है, दस्ती बम फेंका था लेकिन वो फटा नहीं, तो फिर उसको हमारे जो बाकी बॉम्ब स्क्वाड है। और एक वो एक और भी अच्छी खबर है, कल आपने कराची में देखा गुलसाई जोन में क्या हुआ है? वहाँ पे भी राबी सिटी जो अपार्टमेंट है वहाँ पे एक टारगेटेड ऑपरेशन हुआ और उसके अगेंस्ट लोग रोडों पे आए हैं, उन्होंने प्रोटेस्ट किए, 5 गाड़ियां जला दी, मोटरसाइकिलें जलाई हैं, रिक्शे जलाए हैं, दुकानें जलाई हैं। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में एक टारगेटेड ऑपरेशन हुआ है और उसके किसी पॉलिटिकल एक्स पॉलिटिकल एफिलिएट को पकड़ के ले गए थे वो, तो इसलिए हमने ये सब कर दिया। तो मतलब एक तरफ हम बोलते हैं कि इन इन जो शर्पसंद लोग हैं, जो 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 लोग इस तरह के माहौल क्रिएट कर रहे हैं कराची में, उनको पकड़ा जाए, जब उनको पकड़ने के लिए ऑपरेशन किए जाते हैं तो इस तरह के हम रोडों पे आते हैं। मतलब आई थिंक द इजीएस्ट वे आउट इज ब्लॉकिंग रोड्स, 4-5 टायर जला दें, जो गाड़ी आई है उनके शीशे से, क्योंकि वो हमारे बाप का माल है, आपका कोई नहीं इसमें। तो जो जो गाड़ी में आप बैठे हुए, जो मोबाइल आपके पास, वो वाकई में आपकी चीजें नहीं है जीशान, दैट्स फॉर दैट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी। मैंने कहा ना, आपकी अपनी किसी की अमानत है, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, किसी की अमानत है। हीरोइन 4.5 किलो की, ऑल राइट। हां ये मैम पढ़ के हैरान हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा कि सीज्ड हो गई है। राइट भाई जी, कहाँ पे कराची में? जी हाँ, कस्टम्स ने, ड्रग एनफोर्समेंट सेल ने जो है जिना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे 4.5 किलो हीरोइन पकड़ ली है एयरक्राफ्ट में से। स्टेटमेंट इशू बाय द कस्टम्स। पहुंची कैसे एयरक्राफ्ट में, यही मैं सोच रहा हूँ। जिस तरह फ्लाइट बाउंड, जिस तरह शाहरुख जतोई विदाउट हिज रिकॉर्ड्स इन इमिग्रेशन दुबई पहुंच गया था ना, उसी तरह ये भी हीरोइन पहुंची है। अननोन सस्पेक्ट्स के अगेंस्ट में केस रजिस्टर भी हो गया। एक तो ये नामालूम अफराद जो है ना। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आज से पाकिस्तान की शर्मिंदगी का डे है। क्यों ऐसा क्यों किया? आज से पाकिस्तान की शर्मिंदगी डे है व्यूअर्स। मैं तो सो जाऊंगी। देखना नहीं, बुरा लगेगा। He means Pakistan versus South Africa. जी, I'm sorry, I mean South Africa. Pakistan versus South Africa. बहुत बुरा होने वाला है आज। तो let's just focus our attention on celebrating Valentine's Day. मैं किसी के साथ बैठा था, वो उन्होंने मुझे बैटिंग के रेट्स बताए। बैटिंग रेट्स अगर पाकिस्तान खुदा ना खास्ता जीत जाता है, उन्होंने ये वर्ड उसके हैं मेरे नहीं प्लीज, उन्होंने कहा पाकिस्तान जीत जाते तो 1 रुपए के 7.5 रुपए मिले, इतना रेट आया है। और मैंने कल उसको पढ़ा तो मेरा मुझे बहुत, आई वॉज रिजुविनेटेड और मैं सोच रहा था कि लोग कितना जबरदस्त, इन 3 बेहतरीन शख्सियात ने ये चीज कही है। और शेर मैं पढ़ देता हूँ जी, वो शेर है, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठ कर, या वो जगह बता जहाँ खुदा नहीं। ये मिर्जा गालिब ने कहा था पता नहीं किस जमाने में, क्योंकि वो हर वक्त टुनकी रहते थे, तो इसलिए उन्होंने कहा यार मैं अपने बारे में खुद ही क्लियर कर दूँ। ठीक है, इसके बाद इसका जवाब दिया कि मस्जिद खुदा का घर है, पीने की जगह नहीं, काफिर के दिल में जा वहाँ खुदा नहीं। ये शेर का जवाब दिया था अल्लाह हजरत अल्लामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने। ठीक है, वेरी रेलेवेंट। फिर उसके बाद उसका जवाब भी दिया गया कि काफिर के दिल से आया हूँ मैं ये देख कर, खुदा मौजूद है वहां पर उसे पता नहीं। ये फैज अहमद फैज ने, अहमद फराज ने कहा। तो व्यूअर्स इसको सोचिएगा कि ये 3 शेरों का तसलसल, और फिर वही बात कि क्या हम हिपोक्रेट्स हैं या नहीं। एंड ऑन दिस नोट वी आर गोना एंड द शो, विशिंग ऑल ऑफ यू अ हैप्पी वैलेंटाइंस डे एंड हया डे भी तो है यार। आई एंड हया डे, वी आर सेलिब्रेटिंग बोथ, वी आर सेलिब्रेटिंग, आई डोंट क्या मतलब है यार, हया आंख की हया होगी बात। बिल्कुल, वी आर सेलिब्रेटिंग, ओके फाइन बोथ, द ओनली डे हया डे शुड नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन डे, राइट, एंड नॉर शुड वैलेंटाइन डे बी, बट इट्स ओके फॉर ऑल दोस जो रेगुलरली रोजमर्रा की जिंदगी में एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आज एक दिन है अपने प्यारों को
चाहे वो आपकी माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, बच्चे हो, बीवी हो, गर्लफ्रेंड हो, हुएवर इट इज, आई एम सॉरी, यस, आई मीन सॉरी, या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बोथ, फियांसेस हैं आपके, सेक्टर को नाराज ना करें, कजिन्स हैं, दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, सबको विश करें, आपके चैनल में काम करते हैं, ऑफिस में, या बिल्कुल एग्जैक्टली, अपने बॉस को भी जाके वैलेंटाइन से विश करें, आप करेंगे, बिल्कुल जाके करूंगी, मेरी तरफ से भी, ऑन दिस नाउ वी आर गोइंग टू एंड द शो, सेलिब्रेट विद लव, स्प्रेड लव, टेक केयर एंड स्टे विद इन बाउंड्रीज, यस प्लीज डू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।